केटरिंग वालों से बात हो गई है, तुम फिक्र नहीं करो, बस तुम लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दो। हाँ देखना कोई रह ना जाए। हाँ हाँ मैं भी अपने लोगों को इनवाइट करता हूं। ओके ओके। माया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माया आज शाम को मेरे घर में छोटी सी पार्टी है, यू हैव टू कम। पार्टी फॉर व्हाट? हमारी 30वीं एनिवर्सरी है। ओह हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। देर से इनवाइट करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल आज सुबह ही हमने फैसला किया कि कुछ स्पेशल होना चाहिए। ऑफिस के बाकी लोगों को इनवाइट किया है मैंने। रियान है ऑफिस में? एक्चुअली मैंने भी सुबह से उसको नहीं देखा। अच्छा वो मिले तो उसे भी बोल देना है। ठीक है। सी यू टुनाइट। गुड मॉर्निंग अली। मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, एक काम है तुमसे। हाँ हाँ बोलो। यहाँ ये बता सकते हो क्या है? हाँ ये तो मेमोरी कार्ड है। तुम्हारे पास कैसे आया? क्या होता है इससे? इससे वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स कुछ भी डाल सकते हैं। और देखते कैसे? इसको फोन में लगा सकते हैं। मैं अपने फोन में लगा के दिखाता हूँ। तुम्हारे फोन में नहीं चलेगा, एक सेकेंड। नहीं नहीं कोई और तरीका नहीं देखने का? और कोई? हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड। मेमोरी कार्ड को इस बड़े वाले कार्ड में लगाओ, उसके बाद ये कार्ड लैपटॉप में लगेगा, उसके बाद लैपटॉप पे सामने एक विंडो आएगी और मेमोरी कार्ड में जो जो है सब नजर आ जाएगा। मुझे अपना लैपटॉप दे सकते हो? लंच ब्रेक में दे दूं? लेकिन बताओ तो सही, ये तुम्हारे पास कहां से आया और उसमें है क्या? मुझे खुद नहीं पता इस कार्ड में क्या है और मेरे पास कहां से आया। बट अली प्लीज किसी को बताना मत, ये बात अपने तक रखना। आया ने तो बड़ा मुश्किल काम दे दिया। चलो सही है, किसी को नहीं बताऊंगा। थैंक यू। अब इस लड़के के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। नाम और डेट ऑफ बर्थ मैंने पेपर पे लिख दिया। ठीक है मैं कुछ दिनों में आता हूँ। कुछ दिनों नहीं, आज का दिन है तुम्हारे पास। आज एक दिन में सारी इन्फॉर्मेशन? ठीक है लेकिन इसके बाद हमारा हिसाब बराबर। ठीक है मैं रात तक आता माया। माया देखो कल जो कुछ भी हुआ, आई एम रियली सॉरी, आई वाज एंग्री, आई शुडंट हैव डन दैट। इट्स ओके। माया देखो आई वाज एंग्री, मुझे अपना गुस्सा तुम पे इस तरह नहीं निकालना चाहिए था, एंड आई वाज कंप्लीटली इन द रॉन्ग। टेल यू व्हाट, लेट मी मेक इट अप टू यू। How about I take you out for lunch as an apology? Sameer, तुमसे गलती हुई, तुमने माफी मांगी और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हम दोनों साथ में काम करते हैं, we should act professionally. Please leave. हम दोनों हमेशा सिर्फ
कॉलीग्स नहीं थे। You're right. और एक दिन तुमने डिसाइड किया कि हम दोस्त नहीं हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ समीर? Why? अमीर मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन तुमने ये क्यों कहा कि सब मेरी गलती है? I don't understand. जब बाबा जिंदा थे हम दोनों साथ मिलकर केसेस करते थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे इतना अजीब से हो गए हो? थक गया हूं मैं माया, हर बड़ा क्लाइंट, हर बड़ा केस, सब तुम्हें दे दिया जाता। अब बदकिस्मती से तुम सब दी जाती हो। आई नो कि मेरा तुम्हारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। यू नो समडे मे बी वॉक अ माइल इन माई शूज। एसएन सर के जाने के बाद कोई ऐसा नहीं आया जिसने मेरे पे एतबार किया या मुझे चांस दिया है, वो इवन मेरी तारीफ की है। Okay. तारीफ के लिए तो अब इस फर्म में सिर्फ एक लॉयर है, माया मलिक। I'm really sorry about yesterday. Have a good day. सलमान सईद है और आज तारीख 10 मार्च 2021। बहुत मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब मैं जिंदा ना हूं। अगर ऐसा हुआ तो मेरे कत्ल का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स होगा, मिनिस्टर शाकिर हुसैन। जिस दिन से मैं मिनिस्टर शाकिर हुसैन के बारे में सच जानने की कोशिश कर रहा हूं, उस दिन से मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मैं अकेला था इसलिए शाकिर हुसैन के खिलाफ कुछ ज्यादा नहीं कर सका। इस मेमोरी कार्ड में शाकिर हुसैन और उसके बेटे हमीद हुसैन के तमाम ऑफशोर अकाउंट्स की डिटेल्स मौजूद हैं और शाकिर हुसैन के करतूत पर पर्दा डालने वाले बहुत बड़े वकील एहसन मलिक का एविडेंस भी इसमें मौजूद है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एहसन मलिक के कत्ल का जिम्मेदार भी शाकिर हुसैन है। माया साहिबा के वालिद के कत्ल का जिम्मेदार भी यही शख्स है। सोचू जाके उसे माफी मांग रहा हूं। आई नो समीर बहुत चीजें देख रहा है, ही इज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम, और स्पेशली बाबा के जाने के बाद। रायान, तुम्हारा लैपटॉप। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। कहाँ थे तुम सुबह से, दिखे ही नहीं। बैठो।
कुछ हुआ है? तुम ठीक हो? कुछ नहीं। ये लैपटॉप क्यों चाहिए था? वो मैं सीखना चाह रहा था। पता नहीं पेट में दर्द क्यों है आज। एनीवे, तुम्हें लैपटॉप चाहिए होता तो मुझसे भी मांग सकते हो। मैम, आप एसेंस और समीर के बारे में बता रही थी। हाँ, सो एनीवे, मैं कह रही थी कि बाबा से बहुत क्लोज था समीर। बाबा को बहुत पसंद था समीर। गाइड करते रहते थे, केसेस पे हेल्प करते रहते थे, काफी सिक्योर फील करता था उस वक्त। लेकिन बाबा के बाद अब कुछ अजीब सा हो गया है। आपके बाबा शाकिर हुसैन के लिए काम करते थे? हाँ, मुझे अभी भी रिसेंटली पता चला है, शाकिर हुसैन बाबा के क्लाइंट थे। आप शाकिर हुसैन के बेटे के बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, I don't think so. हमीद हुसैन, शाकिर हुसैन का बेटा, इस वक्त किसी चक्कर में अमेरिका भागा हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। तुम जानते हो उसे? शायद। मैं, तुम्हारी मेमोरी वापस आ रही है, इट्स गुड, अच्छा है। लेकिन मैम, शाकिर हुसैन के ऊपर काफी इल्जाम नहीं थे करप्शन के? आई डोंट नो मरियम, आई थिंक सब झूठ ही होंगे। मैंने बाबा ऐसे क्लाइंट क्यों लेते? आई डोंट बिलीव दैट। सर, एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सुहेल बेग नाम के आपके एक नेबर होते थे 5 साल पहले, जानते हैं? सुहेल को? हाँ, शाम को हम एक साथ वॉक किया करते थे। सर, ये लड़की, ये सुहेल साहब की बेटी थी? हाँ, हानिया बहुत अच्छी बच्ची थी। सुहेल साहब की डेथ कैसे हुई 2 साल पहले? कोई आइडिया आपको? 2 साल पहले सुहेल की डेथ? कैसी बातें कर रहे हो? पिछले साल ईद पे ही सुहेल ने मुझे कॉल की थी। तुम किसी और की बात कर रहे हो? नहीं नहीं सर, एक मिनट। सुहेल बेग साहब, जिनके सबसे बड़े बेटे का नाम रयान है, उनका इंतकाल नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? अरे भाई, उनकी डेथ हुई होती तो मुझे पता ना चलता। उनकी बेटी की डेथ हुई थी, सुहेल की नहीं। वैसे तुम हो कौन? सर, अब कहां हैं सुहेल साहब? कहां रहते हैं, कुछ पता है आपको? मुझे नहीं पता। अच्छा, उनकी जो बेटी थी हानिया, उसके साथ क्या हुआ, कैसे डेथ हुई उसकी? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, चले जाओ यहां से। सर प्लीज, मैं कुछ मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या हुआ था रयान की बहन के साथ? मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना, चले जाओ यहां से फौरन, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। सर मेरी, सर
बेटा, मेरे मेरे बेटे का कोई फोन है? नहीं सुहेल जी, आप रोज रोज एक ही सवाल क्यों पूछ? फिक्र हो रही है ना बेटा, एक महीने से ज्यादा हो गया उसे, कोई खबर ही नहीं आ रही। देखें, जैसे ही आपका बेटा कॉल करेगा हम फौरन आपको बताएंगे। आप प्लीज अंदर जाके आराम कीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नयान, हाय, कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ फ्रेश एयर के लिए। ओह राइट। सारा भी कैसे लगे तुम्हें? दोनों बहुत अच्छे हैं, खास तौर पे तैमूर भाई, है ना? इज वेरी स्वीट। और तुम्हारी तो काफी बन भी गई उनसे, काफी फनी हो जाते हो तुम उनके साथ। और सारा, वो कैसी लगी? सारा भी अच्छी है, लेकिन वो मुझे पेशेंट की तरह क्यों देख रही थी? ओ नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली सारा है ही ऐसी, उसकी बात का बुरा मत मानना, बल्कि वो तो तुम्हें और जानना चाहती है। शी रियली लाइक्ड यू। अंदर आ जाओ, अंदर बैठ जाते हैं। कम कम बैठो। कुछ हुआ है क्या? इतने गुमसुम क्यों? कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। डर लग रहा है कि सुनकर आपको बुरा ना लगे। नहीं, तुम कुछ भी कह सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरे पास एक, मैं पहले डॉक्टर हुआ करता था। क्या? हाँ, अभी अभी आपसे बात करते करते याद आया। I'm sure मैं डॉक्टर हुआ करता था। वाह रायान, तुम्हें सब याद आ रहा है? तुम वाकई में डॉक्टर थे? किस चीज के डॉक्टर थे, कहाँ काम करते थे, कुछ और याद आ रहा है? ये नहीं पता, लेकिन अगर सोचूं तो शायद याद आ जाए। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। हाँ श्योर, अब घबराना नहीं, इट्स ओके, आहिस्ता आहिस्ता याद आ जाएगा, डोंट वरी। यस मैम। मैम, ज़ायरा की बेल रिजेक्ट हो गई है। व्हाट? क्यों? सीरियसनेस ऑफ द चार्ज, ये कहा जा रहा है। जो सब झूठ है। मैंने ज़ायरा को कहा था कि उसकी बेल हो जाएगी, और अब ये। ज़ायरा और हमें और वेट करना पड़ेगा। लेकिन ज़ायरा के देवर ने कहा नहीं था कि वो लोग चार्जेस वापस लेने के लिए तैयार हैं? कहा था, लेकिन अब उन्हें भी यही लगेगा ना कि कोर्ट ज़ायरा के खिलाफ है, इसीलिए बेल रिजेक्ट कर दी। मैम, इन लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। यू आर राइट। राहिल को कहो कि किसी को ना बताए कि उसकी बेल रिजेक्ट हुई है, एंड कॉल अवर ब्रदर इन लॉ, वो केस वापस लेना चाहते हैं ना। ठीक है, we should not miss this opportunity. It's a great idea, ma'am. मैं राहिल को अभी बता के आता हूँ। मरियम, मैं सुबह ज़ायरा से मिलने जाऊंगी, let's see वो क्या कहती है।
मीनवाइल वो सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स सारी चीजें इकट्ठी करो, कल सुबह उसके लिए एफिडेविट बनाना है। ओके मैम। कम से कम सेरेमनी पे तो आ जाते, मेरे लिए आना चाहता था लेकिन एक जरूरी काम में फंस गया था। उस दिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, काश रायान भी आज ग्रेजुएट हो रहा था। कुछ कोर्सेज बचे हैं, अभी भी वक्त है, वापस से पुराना वाला रायान बन जाए, छोड़ दे ये सब। चाह कर भी वो इंसान नहीं बन सकता। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है। देख, मैं जानता हूं तूने कितनी तकलीफ देखी है, लेकिन अंकल बेचारे, उनका सोच। अब्बा को मैं कोल्ड होम शिफ्ट कर रहा हूं ताकि वो सेफ रहे। इमाद, अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या तुम अब्बा का ख्याल रख सकते हो? रेहान तो कैसी बात, रख सकते हो या नहीं? हाँ। मैम प्लीज ये साइन कर दें। ओके, गुड बाय मैम। बाय। दैट्स इट। डॉक्टर रायान, कुछ और याद आया? नहीं। वेल, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता याद आ जाएगा। जैसे ये याद आ गया, शायद और भी चीजें याद आना शुरू हो जाएं। गिव इट टाइम। आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? ओ, तुम कुछ पूछना चाह रहे थे ना मुझसे, पूछो। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की आपके बाबा का कत्ल किसने करवाया था? एक्चुअली हमेशा से जानना चाहती थी, इनफैक्ट अभी भी जानना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी उस केस को ओपन करने की बात करती हूँ कोई ना कोई मुझे रोक देता है। शायद लोग समझते हैं कि मेरे लिए सच जानना खतरनाक हो सकता है। हो सकता है, वो सही कहते हैं। पता नहीं, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कुछ करने का। एनीवे, तुम सिकंदर साहब की पार्टी पर चल रहे हो? मैं अकेले रहना चाहता हूँ। अकेले तो तुम अब भी रह रहे हो रायान, चलो साथ चलो, मजा आएगा। तुम चेंज कर लो, मैं वेट कर रही हूं। ओके। चलें? चलते हैं, आप आइए, जरा तशरीफ रखें। खैर तो है ना? हाँ बिल्कुल खैर है, खैर है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है। What is it? तुम्हारा प्यारा बेटा अगले हफ्ते वापस आ रहा है। Really? हमीद वापस आ रहा है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सब ठीक कर दूंगा। I was missing him too much. खैर, अब जल्दी से उसकी शादी की तैयारियां करो। हाँ। शाकिर, but I'm worried. ऐसा ना उसके आने से
उस पर फिर कोई मुसीबत आ जाए। You should not worry at all. It's okay. ठीक कर दिया मैंने सब कुछ। Assalamualaikum sir. अरे वालेकुम अस्सलाम। Congratulations. Welcome. Thank you. Thank you. Thank you. इसको किससे बताया? Ram. सिकंदर साहब ने उसको भी इनवाइट किया था। अब रायान से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा अगर आप थोड़ा टाइम रायान के साथ बिताएं, तो वो शायद आपको भी अच्छा लगे। हर वक्त माया की तुम बना रहते हैं। Excuse me. भाई तुम्हारी बॉस भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाइस पार्टी सर। थैंक यू थैंक यू। वैसे आप जा सकते हैं, हम अपना ख्याल खुद कर लेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो खाना वाना खाया तुम लोगों ने? ये नहीं खाना, हम डायरेक्ट खाना खाएंगे। वैसे रयान, सुबह से एक सवाल पेट में मेरे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम डॉक्टर ही थे? तुम बिजनेसमैन या इंजीनियर भी तो हो सकते थे। क्यों, वो डॉक्टर क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन ये डॉक्टर जैसा लगता नहीं है ना। अच्छा चल, आपको क्या हुआ? वाया भाई। वो कौन? एक्स हस्बैंड। कबीर? वो आया हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। माया मलिक, हाय। हाय कबीर, व्हाट अ सरप्राइज, आई डिडंट सी यू देयर। रियली? आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर। कैसी हो? थैंक्स। अब इनसे मिलो, अली को तो तुम जानते ही हो। यू मेट हिम। मरियम माय असिस्टेंट, और ये रायान बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। I'm Kabir. माया के मैं सारे दोस्तों को जानता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरी जिंदगी में और भी नए लोग आ सकते हैं कबीर। Of course आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? नए लोगों से याद आया, I want to introduce you to somebody. Excuse us guys, please. आओ ना। एक सेकंड। अरे आओ तो सही। Hey babe. Hi. Hi. Meet my wife Aiza. Hi, how are you? Hi. तुम्हारे बारे में बहुत सुना। How are you doing? How's life in Pakistan? It's great actually. कब आए तुम? दो हफ्ते पहले आए थे। शादी के बाद ही हमारा पहला ट्रिप था। लेकिन दो दिन में जा रहे हैं वापस। तुम लॉयर हो right? Yes, criminal lawyer. कबीर बताता है पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम कितना बुरा हाल हुआ है। इसे सरवाइव कैसे कर लेती हो तुम? इतना बुरा भी नहीं है। Things are changing now. But still, I mean, इतनी बुरी चीजें सुनने को मिलती हैं। मुझे कबीर ने जब तुम्हारे डैड के बारे में बताया था, I got so scared. अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग यहाँ नहीं रहते ना। पाकिस्तान तो बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है, है ना कबीर? बिल्कुल। एक्चुअली पाकिस्तान में रहना इतना बुरा नहीं है। अगर आप सोल्यूशन नहीं दे सकते ना, तो आपको तंकीद भी नहीं करनी चाहिए। वो क्या होता है? Baby, you're so cute. मैं अभी समझाता हूँ तंकीद क्या होती है। Just give me a minute. Sure. तुम्हें पता है ना, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। छोड़ो यार, इमैच्योर है, उसकी बातों को दिल पर क्यों ले रही हो? क्यों माइंड कर रही हो? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, अभी तक सिंगल हो या फिर? क्यों पूछ रहे हो? एक्स हस्बैंड हो तुम्हारा? एग्जैक्टली, एक्स हस्बैंड नहीं। Come on, यार,
छोड़ भी दो ये बातें करना, शेयर कर सकती हो तुम मेरे साथ, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हें मिस करता हूँ, बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। वाओ वाओ कबीर, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। अरे यार, अब इस वक्त ये बातें करने की क्या जरूरत है? हाँ, अरे चलो छोड़ो इस बात को, मुझे बताओ ये जो लड़का तुम्हारे साथ था, क्या नाम है इसका? रायान, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? दोस्ती है या फिर कुछ और? नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उम्र में तुमसे छोटा लगता है। आयजा भी तुमसे उम्र में काफी छोटी लगती है, और अगर कुछ चल भी रहा होगा तो इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। तो यही तो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, आयजा छोटी है मुझसे, इमैच्योर है, मैं कनेक्ट नहीं कर पाता उससे। सच ये है कि याद आता हूँ तुम्हें कभी। I don't believe this. Okay, I miss you. I seriously do. When ये क्या था? आपको बेचारा था और क्या? ओह, इसकी शक्ल देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। पर उसके लिए आप अपना मेकअप क्यों ठीक कर रही थी? I don't know, Ryan. शायद मुझे लगा उसके सामने ऐसे एक्ट करूंगी तो उसे लगेगा कि मैं खुश हूँ। इसमें दिखाने की क्या जरूरत? आप खुश तो हैं, है ना? Of course खुश हूँ। ये लड़कियों की बातें हैं, तुम्हें समझ नहीं आएगी। Anyway, अच्छा क्या तुमने मुझे बचाया। Thank you. वली की क्या लाइन है? ऐसे मत देखो वरना प्यार हो जाएगा। Sorry. हो गया? हाँ? क्या? खाने का टाइम हो गया। हाँ चलो। पर शाकिर, तुमने आने में बहुत देर कर दी। भाई इन्होंने तैयार भी तो होना था। हाँ भाई, देख मात की तैयारी तो बहुत जरूरी है ना। अरे माया, अरे शाकिर से मिलो। ओ माया। हेलो सर। हाउ आर यू? मैं भी सोच रहा था कि माया नजर नहीं आ रही। मैं तो यही हूँ। ये रायान है, रायान से मिले आप? शाकिर हुसैन, मिनिस्टर, बता रही थी ना तुम्हें। रायान? हाँ हाँ, वी मेट। रियली? कहाँ? एट द ऑफिस। मैं आपको नहीं बोल रहा। एक्चुअली आज मुझे रायान बताया था कि आपके बेटे को जानता है, हमीद। आई थिंक दोनों दोस्त थे। ओह गुड। आई थिंक इसकी मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। ओह नाइस। शाकिर आओ, मैं तुम्हें किसी और से मिलवाता हूँ। भाभी आप भी आइए ना। आइए आइए। खाना
मुझसे गलती हो गई थी, मुझे जाने दो प्लीज। मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे कुछ मत करो। वो सारा प्लान हमीद का था, हमीद हुसैन का, मुझे जाने दो। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।